माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। तो इसमें जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें आज रीड करेंगे। अभी समझेंगे कि हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। वी नो कि ब्लड ग्रुप्स जो है ये फोर टाइप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स फोर टाइप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए और दूसरा ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी, एंड तीसरा ब्लड ग्रुप किसको बताते हैं, ए बी एंड ए ओ, ब्लड ग्रुप ओ। इस प्रकार से ये फोर ब्लड ग्रुप है, फोर ब्लड ग्रुप है, और इनके लिए जो है जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एलील्स होते हैं। तो जीन को जो आई से जीन जो है आई से नोट करते हैं, उस जीन को आई से नोट किया जाता है। तो ये थ्री फॉर्म्स होती है इसकी, थ्री फॉर्म्स हैं जीन की। इसको हम आई ए एंड ए, आई बी एंड आई ओ, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। आई ए, आई बी, आई ओ, ये जो है जिन इनको एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एलील्स बोला जाता है, ये एलील्स है। क्या ये एलील्स, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ में, ये जो है इन्हीं जीन्स पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं एलील्स पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं एलील्स पर डिपेंड करते हैं। देखिए किसी ब्लड ग्रुप में दो जीन्स होंगे, क्या होंगे, दो जीन्स होंगे। अभी देखते हैं किस प्रकार से, किस प्रकार से ये, जैसे मान लीजिए जीन। हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन विच टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स ही पजेस।
देखिए ट्रू फॉल्स ऑफ जीन्स जो है उसी के आधार पर जो है वो उसका ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। अब जैसे फर्स्ट बताया गया कि जैसे आई ए ये क्या है डोमिनेंट ओवर किसके ऊपर है आई ए डोमिनेंट ओवर आई ओ। अब दी फर्स्ट कंडीशन इफ जीनोटाइप आई ए ये डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप इज ए दोनों ही जीन जो है वो एलील से हैं आई ए आई होंगे तो ब्लड ग्रुप इज ए क्या होगा ब्लड ग्रुप इज ए एंड सेकंड है जीनोटाइप आई ए तो ब्लड ग्रुप इज ए। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इसके लिए ए क्यों क्योंकि बिकॉज आई ओ इज रिसेसिव आई ओ इज रिसेसिव यहाँ पर आइए ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है तो हम जानते हैं कि डोमिनेंट जो वो ही अपीयरेंस होगा डोमिनेंट जो वो अपीयरेंस होगा और यहाँ पर दूसरा जो प्रेजेंट रहेगा आई ओ प्रेजेंट रहेगा लेकिन एक ऐसा ही रिसेसिव है जीरो टाइम में है लेकिन फिरो टाइम नहीं। तो इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप एक इन किन कंडीशन में हो सकता है। ठीक नेक्स्ट है इफ जीनोटाइप इज आईबीआईबी ये एलील से आईबीआईबी तो ब्लड ग्रुप इज बी क्या होगा ब्लड ग्रुप बी तो यहाँ पर बी दूसरा तो है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन इफ जीनोटाइप इज आईबीआईओ अब यहाँ पर वो है तो वो रिसेसिव है तो डोमिनेंट क्या है बी तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ ब्लड ग्रुप इज बी समझ में आ गया। और दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर आई ए आई है तो ब्लड ग्रुप ए होगा और आई ए आई ओ है वो रिसेसिव है डोमिनेंट ए है इसलिए ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ पर आई बी तो ब्लड ग्रुप बी है यहाँ पर आई बी आई ओ तो वो रिसेसिव है डोमिनेंट बी है तो ब्लड ग्रुप बी। इस प्रकार से ये समझा। देखिए इसमें थर्ड कंडीशन इफ द जीनोटाइप इज आई ए आई बी ये दोनों टू डोमिनेंट है क्या है आई ए आई बी देन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज ए बी ये दोनों को डोमिनेंट है इसलिए कोई किसी का प्रभाव किसी पर नहीं होगा तो यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा। नेक्स्ट इफ द जीनोटाइप इज आई ओ ठीक अंडरस्टैंड देन द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज ओ ये क्या होगा यहाँ पर देखिए आई ओ आई ओ तो यहाँ पर तो आई ओ है और तो कोई है नहीं तो इस पर जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा ये ब्लड ग्रुप जो है ए होगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप जो है ट्रांसमिट होते हैं ब्लड ग्रुप जो है प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं। देखिए इस कंडीशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ एंड दे हैव ए चाइल्ड व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें देखिए मैन का जो है ब्लड ग्रुप ए है और वुमेन का ब्लड ग्रुप जो है ओ है। अब एलील्स इसमें देखेंगे कि जब ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप किस किस कंडीशन में कौन कौन से इसके एलील्स हो सकते हैं तो इसमें एक तो आई ए और आई ए दोनों एलील्स मतलब इसके जो है वो आई ए हो सकते हैं नहीं तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप कैसा होगा चाइल्ड का ए होगा क्योंकि ये जो है वो डोमिनेंट है। दूसरी कंडीशन जो है वो होगी उसमें कि आई ए एंड आई ओ ये कंडीशन हो सकती है तो मेन पर ही डिपेंड करता है आई ए आई ओ तो इसमें जो है क्या होगा इसमें दो भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ए ब्लड ग्रुप उसका हो सकता है और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो भी हो सकता है ब्लड ग्रुप वो भी हो सकता है। चलो इसको देखते हैं समझते हैं कैसे। तो इसमें देखिए आंसर मेन है द ए ब्लड ग्रुप मेन क्या है ए ब्लड ग्रुप एंड
इट है ये जीन कॉम्बिनेशन। जीन कॉम्बिनेशन क्या है? IA और IAI। अब इसको समझते हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसलिए मैंने ये कलर कर दिया है, इससे कि कोई बर्ड वहाँ पर लिख जाए तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर किया। अभी बर्ड लिखूंगा ही नहीं। ठीक, अब समझ लीजिए, यहाँ पर मेल एंड वुमेन, मेल और इनमें मेल। अब इसका जो है कंडीशन, ये आई ए और ये जो है वो ग्रुप इसका है, तो ये रिसेसिव ही जो देखें यहाँ पर कंडीशन, इसका चाइल्ड जो है आई ए और यहाँ पर आई ओ। वैसे यहाँ पर चार कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही है, तो इस पर देखेंगे तो ये दो ही कंडीशन हो सकती है। क्या है ये इस कंडीशन में? तो आई ए आई ओ होगा। कैसा होगा? आई ए आई ओ। तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? डोमिनेंट जो एलील्स है वो ए। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप यहाँ पर ये चाइल्ड है, ब्लड ग्रुप ए। समझ आ गया? ब्लड ग्रुप ए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ए डोमिनेंट है और वो जो है वो रिसेसिव है। ए जो इससे वुमेन से आया है वो रिसेसिव है और ए डोमिनेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप जो चाइल्ड का होगा वो ए होगा। ब्लड ग्रुप चाइल्ड का होगा वो ए होगा। अब देखिए इसमें एक दूसरी कंडीशन, ये तो आई है हो सकता है, दूसरा जो है ब्लड ग्रुप ए किस कंडीशन हो सकता है, इस कंडीशन का हो सकता है। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, इस प्रकार देखिए आई ओ। अब इसमें देखिए कौन कौन कंडीशन, एक तो कंडीशन नहीं हो सकती है, मान लीजिए ये एलील से ए मिलता है आई ए, ठीक, दूसरा ये आ गया आई। तो यहाँ पर देखिए अब कौन सा होगा डोमिनेंट? क्या है? ए। डोमिनेंट ए, तो इसमें यहाँ पर जो होगा चाइल्ड है ये, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए चाइल्ड, ब्लड ग्रुप ए। समझ आ गया? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है। क्यों है? सोचिए क्यों है? ए डोमिनेंट है, ये एलील्स है ये, और जो वो है ये रिसेसिव है, वो जो है रिसेसिव है, आई ओ रिसेसिव, रिसेसिव है एलील्स, आई ओ रिसेसिव। अब देखेंगे आई ओ रिसेसिव है। अब तीसरी कंडीशन, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, पहली कंडीशन दिखाई थी वो उसमें ब्लड ग्रुप ए। अब यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो ये हो गया और दूसरी जो है इसी प्रकार से ये भी हो सकता है इस कंडीशन। चलो इसको मिटा देते हैं, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है हाँ, तो इसमें देखेंगे ये कि इस प्रकार से पहली कंडीशन देख ली तुमने, दूसरी कंडीशन देख ली, तीसरी कंडीशन ये है कि ये एलील्स जैसे आई ए और आई ओ, यहाँ पर जो है आई ओ आई ओ। अब ये कंडीशन ये आकर के दोनों ही आ गए, तो यहाँ पर जो है कौन से एलील्स होंगे? आई ओ आई। अब यहाँ क्या चांस है, यहाँ क्या बनेगा है बताइए? यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा चाइल्ड का कैसा होगा? चाइल्ड है
देखिए ब्लड ग्रुप को इस प्रकार से है मेन मूवमेंट में। एग्जाम्पल समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया है तो दोबारा इसको देखिए, दोबारा वीडियो को देखिए। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है ये जानते हैं सभी, नाम से है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई आवाज़ वगैरह सही नहीं आ रही तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लीड लगा करके सुनिए, समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से ये जाना कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप जो है ट्रांसफर होते हैं, और इसी आधार पर बॉय एंड गर्ल, ये भी मतलब जो है जाने कि जिसको कि सेक्स डिटरमिनेशन से क्या है, सेक्स सेक्स डिटरमिनेशन इसमें जो है जो मेल गैमेट्स में देखें किस प्रकार क्रोमो इनको पूरे क्रोमोसोम्स के आधार पर लिया जाता है। तो मेल में क्रोमोसोम्स जो है एक्स वाई टू टाइप्स, और फीमेल में जो है वो एक्स एक्स। इसमें फीमेल इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको एक्स एक्स, और मेल में इनको एक्स वाई। तो मेल में जो क्रोमोसोम दो प्रकार के हैं, एक्स एंड वाई, और इसमें सेम है एक्स है, तो इस प्रकार से एक्स एक्स है और ये एक्स वाई, इनके आधार पर इसी प्रकार जैसे देखा था, तो हम सेक्स डिटरमिनेशन भी इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है अधिक हो जाता है, तो इस प्रकार से फोकस माइंड होकर के अच्छी प्रकार से समझिए, समझ में अच्छी तरह आ रहा है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक।